आज हम लोग सीखते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्लास 10th एंड 12th दोनों में बहुत पूछा जाता है। ओम के नियम की खोज जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। ओम के नियम की खोज किसने की थी? जॉर्ज साइमन ओम ने, जो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो ओम का नियम क्या है? यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक क्या होता है? वो पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो, वो पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक कहलाते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ, ताप में परिवर्तन ना हो, यानी कि उसकी लंबाई परिवर्तित ना हो, जैसी थी वैसी ही रहे, तो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा I चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाता है, नियतांक आ जाता है। तो V बराबर IR। R क्या है? R है वैद्युत प्रतिरोध। R क्या है? R है वैद्युत प्रतिरोध। और V क्या है? विभवांतर है। I वैद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप आदि में परिवर्तन ना हो, यानी कि अपरिवर्तित रहें, तो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा, चालक के सिरों के विभवांतर, चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। V बराबर IR।